11th biology chapter 14 respiration in plants. All of us breathe to live, but why is breathing so essential to life? What happens when we breathe? Also, do all living organisms including plant and microbes breathe? If so, how? वो कह रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके सब मतलब सांस लेते हैं और ये होता भी है कि ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए हमारे को चलता रहने के लिए कि हम सांस लें. तो उसने बोला कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं कि जो माइक्रोब्स छोटे छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं क्या वो भी ब्रीथिंग प्रॉपरली करते हैं? All living organisms need energy for carrying out daily life activities, be it absorption, transport, movement, reproduction or even breathing. उसने बोला कि जितने भी living organism हैं सबको energy चाहिए daily के काम करने के लिए, चाहे वो absorption हो, चाहे वो transport हो, चाहे वो movement हो, चाहे वो reproduction हो, कुछ भी हो, सबको क्या चाहिए? सबको breathe करना ज़रूरी है अपनी normal activity के लिए. सबको energy चाहिए अपनी कोई भी छोटे मोटे काम के लिए. Where does all this energy come from? अब ठीक है, उनको energy तो चाहिए, लेकिन ये energy आती कहाँ से है? We know we eat food for energy, but how is this energy taken from food? हमें ये भी पता है कि हम जब कुछ खाते हैं, हम energy के लिए ही खाना खाते हैं basically, but ये energy आती कहाँ से है? ये food में कहाँ से आती है? How is this energy utilized? अगर हमने ये पढ़ा है कि food से हमें energy मिलती है, लेकिन ये energy utilized कैसे होती है? कैसे हम इसको use कर पाते हैं? Do all foods give the same amount of energy? जितने भी food items होते हैं, क्या वो same amount में energy देते हैं? Do plants eat? क्या plant खाना खाते हैं? Where do plants get their energy from? जो plants होते हैं, उनको energy कहाँ से मिलती है? And microorganism for their energy requirement, do they eat food? उन्होंने बोला कि जो भी microorganism हैं, जो energy, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, do they eat food? वो भी खाना खाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अगर उनको अपनी जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है. उसके बाद है यू मे वंडर एट द सेवरल क्वेश्चन रेज्ड अबव दे मे सीम टू बी वेरी डिसकनेक्टेड. अब उसने बोला कि जितने भी कुछ चीज़ें हैं जितने भी क्वेश्चंस ऊपर उठे हैं ये सारे आपस में ना कनेक्टेड नहीं है, बट अगर हम देखें तो जो ये ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो सारे चीज़ों से कनेक्टेड है जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है एनर्जी रिलीज़ हो रही है और या फिर हमारी एनर्जी फूड में से रिलीज़ हो रही है और बॉडी में यूटिलाइज हो रही है. अब ये कैसे कनेक्टेड है ब्रीथिंग और ये सब कुछ, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन्स. अब हमें थोड़ा समझना है कि एक्चुअली ये होता कैसे है. All the energy requirement for life processes is obtained by oxidation of some macromolecule that we call food. यानी कि जितनी भी हमारी बॉडी की एनर्जी जो भी हमें बॉडी चाहिए लाइफ प्रोसेसेस के लिए जो भी हम काम करते हैं उसके लिए वो हमें कहाँ से मिलती है? ऑक्सीडेशन से मिलती है. किसके? मैक्रोमोलिक्यूल. कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन से हमें एनर्जी मिलती है दैट वी कॉल फूड, जिसको हम फूड बोलते हैं. ठीक है, ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनो बैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं या साइनो बैक्टीरिया हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी. बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं और उसके बाद वो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं केमिकल एनर्जी में जो उनके अंदर उन प्लांट्स के अंदर स्टोर होती है. किसकी फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट्स के बॉन्ड्स में, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च के बॉन्ड्स में. वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट्स टू नॉट ऑल सेल टिश्यू एंड ऑर्गन फोटोसिंथेसाइज. हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं चाहे कुछ भी हो सारे सेल टिश्यू या ऑर्गन्स होते हैं वो फोटोसिंथेसाइज नहीं होते. सॉरी, वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट्स टू नॉट ऑल सेल्स टिश्यू एंड ऑर्गन फोटोसिंथेसाइज. सारी चीज़ें जितने भी ग्रीन प्लांट्स में होती हैं चाहे वो सेल हो टिश्यू है हर कोई फोटोसिंथेसाइज नहीं करता. कुछ ही सेल जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. दैट आर मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द सुपरफिशियल लेयर. सबसे ऊपर ऊपर की लेयर में ये प्रेजेंट होते हैं. क्या? क्लोरोप्लास्ट. एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस. दे बोथ यानी फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से होता है. हैंस इवन इन ग्रीन प्लांट्स ऑल अदर ऑर्गन्स टिश्यूज एंड सेल दैट आर नॉन ग्रीन नीड फूड फॉर ऑक्सीडेशन. इसलिए उसने बोला कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं या फिर जितने भी ऑर्गन्स हैं टिश्यूज हैं सेल हैं जो भी नॉन ग्रीन है इनको फूड चाहिए होता है ऑक्सीडेशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं. अब जो जिस पार्ट में क्लोरोप्लास्ट है वही फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको भी तो फूड चाहिए, उनको भी तो एनर्जी चाहिए क्योंकि वो खुद तो नहीं कर पा रहे हैं.
Hence, food has to be translocated to all non-green parts. तो इसलिए जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पे green part नहीं है, वहाँ पे food को translocate करने की, translocate मतलब move करने की ज़रूरत है. Animals are heterotrophic. They obtain food from plants. ये जो animals होते हैं heterotrophic, वो खुद खाना नहीं बनाते हैं, ये plants पे dependent होते हैं. They depend on food, sorry, plants for their food. एनिमल्स होते हैं ना, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली. या तो वो, देखो, कोई एनिमल है वो दूसरे एनिमल को खाएगा जो प्लांट्स को खाता है, या फिर एनिमल्स डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं. सेप्रोफाइट्स लाइक फंजाए आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या हुआ? वो सेप्रोफाइट जैसे कि जो किसी डेड डिके पे, फंजाई उसका एग्जाम्पल लिखा है, जो किसी जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा या कोई ब्रेड या कोई, जैसे जो ऑलरेडी सड़ी हुई लीव्स हैं, उन सब पे जो लग जाती है, दैट इज़ कॉल्ड सेप्रोफाइट, दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है. What is important to recognize is that ultimately all the food that is respired for life processes come from photosynthesis. बात जानने वाली ये है कि जो भी चीज़ें हो, कोई भी food हो जो हम life processes के through respire करते हैं, वो कहाँ से आता है? वो photosynthesis से आता है. This chapter deal with cellular respiration or the mechanism of breakdown of food material within the cell to release energy. ये जो chapter है ये deal करता है किससे? सेल्युलर रेस्पिरेशन से. बेसिकली सेल्युलर रेस्पिरेशन ब्रीथिंग ही नहीं होता, ये होता है फूड का ब्रेकडाउन होना, फूड का छोटे छोटे टुकड़ों में बटना, यानी कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कन्वर्ट होना, जिससे क्या हो, जिससे सेल में एनर्जी रिलीज हो, और जो भी एनर्जी ट्रैप है किसमें, मतलब इस एनर्जी को हम ट्रैप कर लेते हैं ताकि बाद में एटीपी की तरह यूज़ करें, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज़ द करेंसी ऑफ एनर्जी. तो इस चैप्टर में सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि एनर्जी कहाँ से आती है, वो प्रोसेस पूरा हम अच्छे से स्टडी करेंगे. फोटोसिंथेसिस इज ऑफकोर्स टेक प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, वेयर इज द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू यील्ड एनर्जी टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया. उसने क्या बोला, जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पे होता है, वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, बल्कि जो ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का एनर्जी रिलीज करने के लिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. कहाँ पे? साइटोप्लाज्मा एंड माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि एनर्जी रिलीज करता है. तो उसने बोला कि क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो हो गया, लेकिन जो एक्चुअल एनर्जी रिलीज हो रही है वो, और जो ये ब्रेक डाउन हो रहा है बॉन्ड छोटे छोटे, मतलब बड़े मॉलिक्यूल से छोटे का, वो साइटोप्लाज्मा में हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है. द ब्रेकिंग ऑफ द सीसी बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. वो कह रहा है कि जो ये सीसी बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है, इनका जो ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, किसके थ्रू? ऑक्सीडेशन के थ्रू. इसके अंदर सेल के अंदर उसके क्या होता है, उससे रिलीज होता है क्या, लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन प्रोसेस में आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑक्सीडेशन के थ्रू सेल्स में ही टुकड़ों में होते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है. द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. जो कंपाउंड इस टाइम पे ऑक्सीडाइज करते हैं इस प्रोसेस के टाइम पे, उसको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं. यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, बट प्रोटीन, फैट्स एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड कैन बी यूज एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन सम प्लांट अंडर सर्टन कंडीशन. उसने बोला कि यूजुअली क्या होता है, जो ये कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये ऑक्सीडाइज होते हैं ताकि एनर्जी रिलीज हो सके, बट जो प्रोटीन, फैट और ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस की तरह कुछ प्लांट्स में, कुछ सर्टेन कंडीशंस में, ठीक है. ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल ऑल द एनर्जी कंटेन सॉरी ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन द सेल ऑल द एनर्जी कंटेन इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज फ्री इन टू द सेल और इन सिंगल स्टेप. यानी कि जब सेल को ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ये सारे प्रोसेस होते हैं, तो जितनी भी एनर्जी होती है सबस्ट्रेट के अंदर, वो एकदम से सेल के अंदर नहीं छोड़ देते. मतलब कुछ एनर्जी मिली किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से, तो वो डायरेक्टली हम सेल में फ्री नहीं छोड़ देते, या फिर एक सिंगल स्टेप में नहीं छोड़ते. वो रिलीज होती है सीरीज में, इट इज रिलीज इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन. धीरे धीरे एक एक करके, एक एक स्टेप में वो रिलीज होती है. जो कंट्रोल करता है कौन? एंजाइम उसको कंट्रोल करते हैं. एंड इट इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और वो किस तरह ट्रैप होती है?
वो केमिकल एनर्जी की तरह ट्रैप होती है. मतलब वो कह रहा है कि अगर मुझे एनर्जी मिली है तो ये नहीं कि एकदम फटाफट से एनर्जी मिल जाएगी, नहीं, एक स्टेप में एनर्जी नहीं मिलती, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू एनर्जी रिलीज होती है और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं. Hence, it is important to understand that the energy released by oxidation in respiration is not used directly, but is used to synthesize ATP. इसलिए ये जानना समझना ज़रूरी है कि जो एनर्जी रिलीज़ हुई है ऑक्सीडेशन से, ठीक है, यानी कि जितनी भी एनर्जी रिलीज़ हुई है ऑक्सीडेशन से या फिर इन रेस्पिरेशन, वो डायरेक्टली यूज़ नहीं होती, बल्कि वो क्या करते हैं, हम पहले उसको एटीपी में सिंथेसाइज करते हैं, उसके बाद वो बाद में अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से टूटती है और यूटिलाइज होती है. हैंस एटीपी एक्ट एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. तो ये जो एटीपी है ये हमारी एनर्जी करेंसी होती है, जैसे कि हमारा, अगर हम पैसों की बात करते हैं, रुपीज़ इज़ द करेंसी, बाहर की कंट्रीज़ में डॉलर इज़ द करेंसी, अलग अलग होती हैं. तो यहाँ पे उसने क्या बोला कि एटीपी हमारी एनर्जी करेंसी है, हम एटीपी की फॉर्म में एनर्जी यूज़ करते हैं, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट एनर्जी के नाम से यूज़ करते हैं या डायरेक्ट सेल से ले ली, नहीं, एक प्रॉपर तरीका होता है हर चीज़ का, तो वो ही हमारे सेल्स में फॉलो होता है. दिस एनर्जी ट्रैप्ड इन एटीपी इज़ यूटिलाइज्ड इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ये जो एनर्जी एटीपी में ट्रैप होती है ये कैसे यूटिलाइज होती है, ये यूटिलाइज होती है कई एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस से जो ऑर्गेनिज्म्स के होते हैं. And the carbon skeleton produced during respiration is used as a precursor for biosynthesis of other molecule in the cell. यानी कि जो carbon skeleton produce होता है कब, respiration के time पे, ठीक है, carbon skeleton जो हमारा produce होता है respiration के time पे, वो precursor की तरह use होता है, मतलब इससे starting होती है किसकी, biosynthesis of other molecule in the cell. जो भी चीज़ हमें मिलती है कार्बन स्केलेटन वगैरह, वो यूज़ होता है एज अ प्रिकर्सर, और प्रिकर्सर मतलब यहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारी बायोसिंथेसिस की, किसकी बायोसिंथेसिस की, दूसरे मॉलिक्यूल्स की ऑफ द सेल. तो ये था पार्ट आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पे. अच्छा, उसने कि डू प्लांट्स ब्रीथ, क्या प्लांट भी ब्रीथ करते हैं. वेल, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट, एकदम डायरेक्टली हम इसका आंसर नहीं कर सकते. Yes, plant require O2 for respiration to occur and they also give out CO2. हाँ, उनको भी O2 की ज़रूरत होती है, मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. आज तक हमने पढ़ा है कि प्लांट CO2 लेते हैं और O2 देते हैं, बट प्लांट भी ब्रीथिंग करते हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो भी CO2 देते हैं. Hence, plant have system in place that ensure the availability of O2. इसलिए plants have system in a place that ensure, मतलब जहाँ पे भी वो हैं, जिस भी तरह से है, वो इंश्योर करता है कि हमें O2 मिले. Plants, unlike animal, have no specialized organ for gaseous exchange, but they have stomata and lenticle for this purpose. ये line important है. उसने बोला कि plants के पास, जैसे हम अगर exchange करते हैं gases, हमारे lungs के through हो रहा है, ठीक है, कई animals में skin के through होता है. तो वो कह रहा है कि जो plant होते हैं ना, उनके अंदर ये gaseous exchange होता है, लेकिन उनके पास स्टोमेटा होता है फॉर दीज गैसियस एक्सचेंज एंड लेंटिकल्स. लेंटिकल्स उनकी बाग पे होते हैं, ठीक है, कुछ होल्स होते हैं उनकी बाग पे जो उनको इस चीज़ में हेल्प करते हैं. देर आर सेवरल रीजन वाई प्लांट कैन गेट अलॉन्ग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. अब वो कह रहा है कि प्लांट को रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की ज़रूरत क्यों नहीं है, ऐसा क्या रीज़न है कि प्लांट को इसकी ज़रूरत नहीं है. सबसे पहला तो ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड. हर प्लांट अपनी गैस एक्सचेंज जो भी उसे करनी है उसका ध्यान खुद रख सकता है. बहुत ही कम ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का एक प्लांट पार्ट से दूसरे प्लांट पार्ट में, यानी कि हर पार्ट खुद ही अपना ध्यान रख लेता है. ऐसा नहीं है कि एक पार्ट बनाएगा, एक पार्ट गैस देगा, नहीं, ये अपने आप ही इसमें टेकन केयर है. देर इज़ अ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर. यानी यहाँ पे बहुत ही कम ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का एक जगह से दूसरी जगह में. सेकेंड, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैस एक्सचेंज. जो प्लांट्स होते हैं बहुत ज़्यादा हमारी तरह उनको ज़रूरत नहीं होती कि ये देंगे वो लेंगे, या बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड में गैस एक्सचेंज नहीं होती. रूट स्टेम्स एंड लीव रिस्पायर एट रेट्स फार लोअर देन एनिमल डू. जो ये रूट्स होती हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होती हैं, ये एक ऐसी रेट पे रिस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं जो एनिमल से बहुत कम है, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसेस नहीं चाहिए. Only during photosynthesis are large volume of gases exchange and each leaf is well adapted to take care of its own need during these period. हाँ,
फोटोसिंथेसिस के टाइम पे बहुत ज़रूरत होती है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसेस एक्सचेंज होती है, पर वो ये भी कह रहा है कि हर एक लीफ अपना ध्यान खुद रखती है कि वो अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर लेगी। मतलब प्लांट में एक्सचेंज होता है लेकिन जैसा एनिमल के लेवल पे होता है ना उतने लेवल पे नहीं होता, और जो प्लांट में एक्सचेंज होता है वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होता है। When cell photosynthesize, availability of O2 is not a problem in these cell when O2 is released within the cell. उसने बोला कि जब cell photosynthesis करते हैं तो availability of O2 एक problem नहीं है इस cells में, since O2 is released within the cell. क्योंकि जो O2 होती है ना वो cell के अंदर ही release हो जाती है। That gases must diffuse even in large bulky plant is not great. यानी कि अगर कोई प्लांट बहुत बड़ा भी है और उसको बहुत ज़्यादा गैसेज की मतलब एक्सचेंज करने की ज़रूरत है तब भी वो बहुत ज़्यादा नहीं है डिस्टेंस जो उसको कवर करना है। Each living cell in a plant is located quite close to the surface of the plant. हर जो सेल है, जो भी लिविंग सेल है प्लांट के अंदर, वो कहाँ है? वो सरफेस जो है प्लांट की उसके बिल्कुल पास रहता है। This is true for leaves. You may ask, but what about thick woody stems and root? ठीक है, लीव्स में तो ये है कि जो भी लिविंग सेल है वो बिल्कुल पास रहता है सरफेस के, बट वो कह रहा है कि अगर कोई वुडी स्टेम है, बहुत थिक स्टेम है और रूट्स बहुत थिक हैं, तो वहाँ पे कहाँ रहता है? In stems, the living cell are organized in thin layer inside and beneath the bark. यानी कि जो स्टेम्स हैं वहाँ पे जो लिविंग सेल है वो कहाँ ऑर्गेनाइज है? बहुत पतली पतली लेयर्स में ऑर्गेनाइज है। कहाँ पे? बार्क, जो प्लांट की बार्क होती है उसके नीचे बहुत पतली लेयर्स में ऑर्गेनाइज है। दे ऑल्सो हैव ओपनिंग कॉल लेंटिकल। हमने पढ़ा था ना कि बार्क के अंदर जो छोटे छोटे से होल होते हैं जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो पाता है, दैट इज थ्रू लेंटिकल्स। द सेल्स इन द इंटीरियर आर डेड एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट। जो यहाँ पे सेल्स होते हैं ना इसके इंटीरियर में वो तो डेड होते हैं और वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो लिविंग सेल हैं वो बाहर की तरफ हैं, जस्ट बार्क के नीचे होते हैं। Thus, most cells of plant have at least a part of their surface in contact with air. इसलिए उसने बोला कि जितने भी सेल्स हैं, एक सेल्स ऑफ अ प्लांट हैं, ठीक है, सबका कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा है जो सरफेस से कॉन्टैक्ट में है एयर के, मतलब वो कॉन्टैक्ट में है, ईजिली एयर पास हो पा रही है। दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेड बाय लूज पैकनिंग ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स इन लीव स्टेम्स एंड रूट विच प्रोवाइड एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेसिस। वो कह रहा है कि ये किस चीज़ की हेल्प से फैसिलिटेड होता है? पैरेन्काइमा बहुत लूजली पैक्ड होते हैं जिसकी वजह से लीव स्टेम्स और रूट जो होती है ना उसके बीच में स्पेस होती है और वो उसको एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेसेस, यानी बहुत कम जगह होती है फॉर एयर। The complete combustion of glucose which produce CO2 and H2O as end product yield energy most of which is given out as heat. उसने बोला कि जो complete combustion होता है किसका? ग्लूकोज का। वो क्या करता है? वो CO2 प्रोवाइड करता है। अगर ग्लूकोज प्रॉपरली हो जाए, कम्बस्ट हो जाए, पूरा वो मतलब उसका काम हो जाए अच्छे से, वो यूज़ हो जाए, तो वो CO2 देगा, वाटर देगा, और उसके एंड प्रोडक्ट्स जो होंगे क्या क्या, मतलब वो CO2 और O2 को एंड प्रोडक्ट की तरह रिलीज़ करेगा। दूसरा, जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी है वो भी हीट की तरह निकलेगी, गर्मी की तरह निकलेगी। किसमें? जब ग्लूकोज का कम्बशन होता है। If this energy is to be useful to the cell, it should be able to utilize it to synthesize other molecules that the cell requires. अगर ये एनर्जी यूजफुल होनी है सेल के लिए तो वो इस तरह से यूज होगी कि जो सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल देन द सेल रिक्वायर। सेल को कुछ इस जो एनर्जी है कुछ इस तरह से यूज़ करे कि वो जो भी चीज़ वो मतलब और कोई ज़रूरत है सेल को, कुछ और मतलब किसी और पार्टिकल की, किसी और पार्ट की ज़रूरत है, मॉलिक्यूल की ज़रूरत है, तो वो सिंथेसाइज हो पाए। मतलब एनर्जी अगर यूज़ हो रही है तो कुछ काम का सिंथेसाइज हो पाए। द स्ट्रैटेजी दैट द प्लांट सेल यूज इज़ टू कैटाबलाइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सच अ वे दैट नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज हीट। ये एक स्ट्रैटेजी है। प्लांट सेल क्या करता है, जो भी ग्लूकोज की अगर वो कैटाबलाइज होता है, मतलब वो छोटे पार्ट्स में बटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटता है, तो वो किस तरह से यूज़ हो, ऐसे यूज़ करता है कि सारी की सारी एनर्जी बाहर नहीं निकलती, मतलब सारी की सारी एनर्जी हीट की तरह बाहर नहीं जाती। द की इज़ टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप बट इन सेवरल स्मॉल स्टेप एनेबलिंग सम स्टेप टू बी जस्ट लार्ज इनफ सच दैट द एनर्जी रिलीज कैन बी कपल टू ATP सिंथेसिस। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसने बोली कि अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, लिबरेट हो रही है और हीट की तरह जा रही है, तो मेन पर्पस क्या है कि जो भी मेरी एनर्जी है वो इस तरह से यूज सारी की सारी वेस्ट ना हो जाए एक बार में, ठीक है, कुछ उसमें से वो कंजर्व कर लेता है, दैट सारी की सारी एनर्जी हीट की तरह नहीं निकलती। इसका जो की है, मतलब जो इसका रीज़न है जिस तरह से ये काम हो पाता है, कैसे हो पाता है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना एक स्टेप में नहीं,
कई सारे स्टेप्स में, जिससे क्या होता है कुछ स्टेप्स जो होंगे ना वो इतने होते हैं कि एनर्जी रिलीज हो जाती है एंड कैन बी कपल टू एटीपी सिंथेसिस. कि कुछ स्टेप देखो, अगर एक स्टेप में एनर्जी रिलीज हो गई तो काम खत्म, लेकिन अगर हम बहुत सारे स्टेप्स कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेप के थ्रू कोई काम हो रहा है, तो क्या फ़ायदा होगा कि कुछ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के साथ मिलकर रिलीज होती है. हाउ दिस इज डन, एसेंशियली द स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, अब वो बोल रहा है कि यही सब है वो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में. बट अगर मैं तो आप लोगों से बोलूँ कि एक की फीचर जो इससे आपको समझ में आया कि जो यूज़ होता है ना ग्लूकोज का, एक स्टेप में नहीं होता, कई सारे स्टेप्स में होता है. ठीक है, अगर ग्लूकोज किसी भी तरह ब्रेक डाउन हो रहा है या कैटाबॉलिज्म हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अलग अलग स्टेप्स में होता है, छोटे छोटे स्टेप्स में. During the process of respiration, oxygen is utilized and carbon dioxide, water and energy are released as product. यानी कि respiration के process में oxygen तो utilize होती है, ठीक है, carbon dioxide, water और energy released होती है products की तरह. ठीक है, ये respiration की बात हो रही है. जो हम normally plant अगर respire करता है तो oxygen use करता है. ठीक है, ये गलत फहमी में नहीं रहना है कि plant के अंदर respiration नहीं होता है, उनके अंदर होता है, oxygen use होता है, carbon dioxide, water और energy रिलीज हो जाते हैं. द कंबर्शन रिएक्शन रिक्वायर ऑक्सीजन. ठीक है, कोई भी बर्निंग का प्रोसेस है, कुछ भी है, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. बट सम सेल्स लिव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल. बट कुछ सेल ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पे ऑक्सीजन हो सकता है अवेलेबल हो और हो सकता है ना हो. आप ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोच सकते हैं वो वहां रह रहे हैं जहां पे ऑक्सीजन नहीं है. बहुत सारे केसेस हो सकते हैं. There are sufficient reason to believe that the first cells on the planet lived in atmosphere that lacked oxygen. क्योंकि आते ही इस planet में जब इसका formation हुआ था हमारे planet का, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ oxygen थी, तो उस time भी कुछ organism तो exist कर रहे थे ना, रह रहे थे. तो वो यही कह रहा है कि हमारे पास ऐसे sufficient reason है ये मानने के लिए कि उस time पे कुछ ऐसे atmosphere में ऐसी चीज़ें रही होंगी जो oxygen के बिना रहे होंगे. Even among present day living organism, so we know of several that are adapted to anaerobic condition. Anaerobic मतलब बिना ऑक्सीजन के. तो आज के प्रेजेंट डे के और अगर हम बात एनवायरमेंट की बात करें तो यहाँ भी ऐसे कई ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनारोबिक कंडीशन में रह सकते हैं. सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर फैकल्टेटिव एनारोब्स वाइल इन अदर रिक्वायरमेंट फॉर एनारोब कंडीशन इज ऑब्लिगेट. फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट में डिफरेंस क्या है कि कुछ सिर्फ और सिर्फ जो ऑक्सीजन के बिना रहे, एनारोबिक कंडीशन में रहे, ऑक्सीजन के बिना रहे, उनके लिए ऑब्लिगेट है, वो ऐसे में ही रह सकते हैं, ये ज़रूरी है उनके लिए रहना. कुछ है फैकल्टेटिव कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो रह सकते हैं, और अगर ऑक्सीजन है तो भी वो रह सकते हैं. ठीक है, कंपल्शन नहीं है. ऑब्लिगेट में कंपल्शन होता है, कंपल्सरी होता है. इन एनी केस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. वो कह रहा है किसी भी केस में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिटेन करते हैं एंजाइमेटिक मशीनरी, मतलब वो अपने एंजाइमेटिक मशीनरी का ध्यान रखते हैं, एंजाइम का ध्यान रखते हैं, ताकि वो ग्लूकोज को हल्का सा ऑक्सीडाइज करें, सॉरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर सकें, आगे उसको मतलब किसी और फॉर्म में चेंज कर सकें, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े. दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरूविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. जहाँ पे इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी और मोस्टली उन्होंने खुद ही किया ऐसे ही एक प्रोसेस को, जिसमें आपका ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस. अगर ग्लाइकोलिसिस एक टर्म में समझना हो तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का टुकड़ों में होना, कितने में क्या बनाने के लिए, पाइरूविक एसिड में, उसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं. तो ये था पार्ट वन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर का, 11th बायोलॉजी का. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए. और इसके और पार्ट्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए या फिर मेरे चैनल पे 11th बायोलॉजी प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए. थैंक यू सो मच.